आज से दो दिन का स्वर्णिम विजय पर्व, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शुरुआत। 1971 के युद्ध वीरों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, सीधी लड़ाई ही नहीं, छुपकर किए जाने वाले हमले भी करेंगे नाकाम। आज एटा के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी भी साथ। एटा में बूथ सम्मेलन का आयोजन, कमिश्नर और डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रैली में 28,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, 19 जिलों के बूथ अध्यक्ष शामिल। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए आतंकी की पहचान, जैश ए मोहम्मद के साथ काम कर रहा था समीर अहमद। दिल्ली के द्वारका इलाके में हादसा, दो कारों के बीच भीषण टक्कर। टक्कर के बाद एक कार में लगी आग, हादसे में दो लोग घायल। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक, बिटकॉइन को लेकर किया गया था ट्वीट। पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक कर रविवार देर रात किया गया था ट्वीट, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने का दावा। दो मिनट बाद ही डिलीट किया गया ट्वीट, सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट हो गया था वायरल। पीएमओ ने दी जानकारी, ट्विटर हैंडल फिर से किया गया सुरक्षित, शेयर किए गए ट्वीट को किया जाए नजरअंदाज। ट्विटर ने जारी किया बयान, हमारे इंटरनल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं, जारी है जांच। यूपी में डबल राशन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। 80,000 राशन दुकानों पर राशन वितरण का कार्यक्रम, नमक तेल और दाल देने की भी योजना। मार्च 2022 तक बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना, केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से राशन, 15 करोड़ लोगों को फायदा। बीजेपी में शामिल हुए महाराजा सुहेलदेव, सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राजभर, कार्यकर्ताओं के साथ ली सदस्यता। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, अनिल राजभर मौजूद, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया स्वागत। आज जयपुर में कांग्रेस की केंद्र के खिलाफ महंगाई हटाओ रैली, राहुल गांधी करेंगे अगुवाई। रैली से पहले जयपुर शहर में राहुल के पोस्टरों की भरमार, प्रियंका और सोनिया गांधी के लगे कटआउट। एयरपोर्ट से सभास्थल तक हेलीकॉप्टर से जाएंगे नेता, कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल। सवाई माधोपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का जन आक्रोश रैली, 15 दिसंबर को 5,000 लोग होंगे शामिल। कानपुर में आज ओवैसी की जनसभा, रैली की जोरदार तैयारियां। कल पीएम मोदी का काशी दौरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। लगभग सभा 5 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 2 साल पहले शुरू हुआ काम। सबसे पहले काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे पीएम मोदी, इसके बाद जाएंगे गंगा घाट। गंगा घाट से पीएम मोदी लेंगे जल, विश्वनाथ मंदिर में आकर करेंगे जलाभिषेक। विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को बीजेपी बना रही है बड़ा आयोजन, मंदिरों में लगे बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन। 20 मिनट का है मुहूर्त, कल दोपहर 1:37 से लेकर 1:57 के बीच लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। 700 करोड़ की लागत से बना है कॉरिडोर, बनाए गए हैं कई मंदिर। रोशनी से जगमग है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें। नोएडा के सेक्टर 33 में बन रहा है टॉय पार्क, 115 उद्योगपतियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन उद्योगपतियों को आवंटित, करीब 410 करोड़ का निवेश। आज कैराना में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं लोग। रैली में राकेश टिकैत का भाषण, किसान मजदूरों से रैली में आने की अपील। गाजीपुर बॉर्डर से देर रात तक लौटते रहे किसान, धरना स्थल हो रहा है खाली। आंदोलन के केंद्र रहे एक आशियाने को यादगार बनाना चाहते हैं किसान, 4.5 लाख की कीमत से बना था पहियों वाला घर। पंजाब में सुखबीर बादल का बड़ा ऐलान, अकाली बीएसपी गठबंधन की सरकार बनी तो बीएसपी को उप मुख्यमंत्री का पद। देश में कोरोना के 7,700 से ज्यादा नए मामले, कल से 2.7% कम केस। 24 घंटे में कोरोना से 306 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा केरल में 245 लोगों की गई जान। देश में कोरोना के सक्रिय 92,200 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 8,400 लोग स्वस्थ हुए। इंदौर में नाइजीरिया से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आना बाकी।
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कोरोना के 15 नए मामले, 9 छात्र, शिक्षक और उनके परिवार वाले बीमार। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सख्त, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन का दूसरा मामला, जिम्बाब्वे से आए यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट से चला पता। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी, विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच से लेकर फॉलोअप। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई में आज और कल धारा 144 लागू, रैली और प्रदर्शन पर रोक। का सही ढंग से इस्तेमाल, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना और गैर जरूरी यात्रा यानी इमरजेंसी नहीं है तो ट्रेवल को अवॉइड करना। कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल में शामिल हुए सीएम खट्टर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, 75 स्वतंत्रता सेनानियों का किया सम्मान। कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर टीएमसी ने जारी किया घोषणा पत्र, हर वार्ड में महिला टॉयलेट बनाने का वादा। पश्चिम बंगाल में किसानों को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल से की मुलाकात, शुभेंदु अधिकारी ने कहा राज्य सरकार को किसानों को देनी चाहिए राहत। झारखंड में महिला अधिकारों के हनन पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जताई चिंता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा उत्पीड़न के सैकड़ों मामले लंबित लेकिन नहीं हो रही है कार्रवाई। डोंबिवली में शिवसेना के 3 पूर्व नगर सेवकों को 2 साल की कड़ी सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सजा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में धमाके के मामले में अहम खुलासा, आईईडी बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड जैसे विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल। पिनाकर रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का किया सफल परीक्षण, दुश्मनों के मंसूबे को तबाह करेगा मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम। कश्मीरी पंडितों पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा। 20 दिसंबर से शुरू होगा नागालैंड विधानसभा का सत्र, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर हो सकता है फैसला। फरीदाबाद में गेस्ट शिक्षकों का प्रदर्शन, नौकरी पक्की करने को लेकर सीएम मनोहर लाल को खून से लिखा खत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में AIMIM ने निकाली तिरंगा यात्रा, अलग अलग जगहों से जुड़कर समर्थक मुंबई की तरफ रवाना। रोहतक में धर्मांतरण को लेकर ईसाई मशीनरियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी धर्मांतरण कानून बनाने की मांग। केरल में फिल्म मेकर अली अकबर ने हिंदू धर्म अपनाया, बिपिन रावत के निधन पर गलत प्रतिक्रियाओं से थे नाराज। कन्नौज में अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा, 2 लोगों के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली में केनरा बैंक ने सेंट्रल विस्टा केजी मार्ग ब्रांच का किया उद्घाटन, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। तेजस्वी की शादी पर पारिवारिक घमासान, तेज मामा साधु को तेज प्रताप ने दी देख लेने की धमकी, साधु ने कहा था तेजस्वी ने समाज को किया कलंकित। पटना में तेज प्रताप के आवास के बाहर छात्र जनशक्ति परिषद ने साधु यादव का जलाया पुतला, तेजस्वी की शादी पर बयान से नाराज की। साधु यादव पर भड़की तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य, कहा दुष्ट कंस के जैसा मेरा मामा। तेज प्रताप की धमकी पर भड़के साधु यादव, कहा अगर लालू जी और बहन राबड़ी अपने बच्चों को नहीं संभालेंगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पटना में राबड़ी यादव के घर को सजाने का काम तेज, बेटे और बहू के स्वागत के लिए तैयारी। एमपी के मांडला में 4 लोगों की मौत, ट्रक और कार की टक्कर में गई जान। बस्तर में 64 लाख का गांजा जब्त, चावल की बोरी में छिपाकर यूपी भेज रहा था तस्कर, गिरफ्तार। धौलपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर, 4 पिस्तौल और 1 रिवॉल्वर बरामद। रायसेन में डूबने से 3 बच्चों की मौत, अवैध रूप से बने गड्ढे में डूबने से हादसा। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से भाई बहन की मौत, स्थानीय लोगों का बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में परीक्षा देकर लौट रहे 4 छात्रों पर चाकू से हमला, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। आसनसोल के कन्यापुर इलाके में डकैती की वारदात, निजी कंपनी के ऑफिस में लूटपाट, सुरक्षाकर्मियों के साथ की मारपीट। थाने में दोपहिया वाहन में एक महिला ने लगाई आग, केस दर्ज, सीसीटीवी में वारदात कैद। कोयम्बटूर में सामने आया टीचर का बेरहम चेहरा, छोटी शर्ट पहनने पर छात्र की पिटाई की।
दिग्गज फुटबॉलर मैराडोना की चोरी हुई घड़ी असम से बरामद, दुबई पुलिस के साथ मिलकर शख्स को पकड़ा। बिहार के लखीसराय में नदी किनारे से युवती का शव बरामद, अभी तक नहीं हुई है पहचान, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान 7 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। बीकानेर में कुरियर कंपनी लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पीलीभीत में घर छोड़कर भाग रहे प्रेमी प्रेमिका की बाइक पेड़ से टकराई, हादसे में लड़की की मौत, लड़का अस्पताल में भर्ती। हिसार में 2 किसानों की मौत, ट्रैक्टर को ट्रक ने मारी थी टक्कर। बुलंदशहर में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 500 से ज्यादा जोड़ों की हुई शादी, एक ही पंडाल में निकाह और फेरों की हुई रस्म। सहारनपुर में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 32 जोड़ों की हुई शादी, सभी को स्वच्छता की दिलाई गई शपथ। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन, 469 जोड़ों का हुआ विवाह, पूर्व मंत्री जयवीर सिंह ने दिया आशीर्वाद। मथुरा में सामूहिक विवाह योजना के तहत 141 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा, मुख्य अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लिया हिस्सा। सूरत में देश का 34वां हुनर हाट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तैयारियों का लिया जायजा। ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दी 9 विकेट की करारी शिकस्त, एशेज सीरीज में 1-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला था 20 रन का लक्ष्य, दूसरी पारी में इंग्लैंड 297 पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बने मैन ऑफ द मैच, पहली पारी में बनाए थे 152 रन। 2022 सीजन से पहले एंडी मरे ने अपने पुराने कोच जेमी डेलगाडो से किया किनारा, पिछले 5 साल से दोनों साथ थे। फॉर्मूला 1 में अबुधाबी की आखिरी रेस में होगा चैंपियन का फैसला, फाइनल प्रैक्टिस में वर्स्टापन से आगे रहे लुई हैमिल्टन। अमेरिका के चेन्नेसी में जोरदार टॉर्नेडो में 70 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों की संख्या में लोग टॉर्नेडो से हुए प्रभावित। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन से बातचीत करने की जताई इच्छा, दशकों पहले जापान में नॉर्थ कोरिया के नागरिकों पर हुए अत्याचार के लिए मांगी माफी। ओमिक्रॉन से फैली दहशत के बीच साउथ अफ्रीका से आई राहत भरी खबर, स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन को डेल्टा के मुकाबले बताया कम खतरनाक। जारा रदरफोर्ड ने कम उम्र में सबसे ज्यादा सोलो फ्लाइट्स उड़ाने का बनाया रिकॉर्ड, 19 साल में ही 52 से ज्यादा देशों में बतौर पायलट 32,000 मील की पूरी कर चुकी हैं हवाई यात्रा। अमेरिका के श्रम विभाग की रिपोर्ट में बड़ा दावा, नवंबर महीने में महंगाई ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड।